राष्ट्र लोकदल युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा और बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मायावती भाजपा के एजेंट हैं, इसलिए वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही हैं। तो भाई अमरोहा जिले के नौगामा विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी को उतारने की भी बात मीडिया के सामने रखी है। साथ ही बताया कि समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की कोरोना वायरस से मौत होने के बाद अमरोहा जिले के नौगामा विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इसके उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वे उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने और जनता से मिलने के लिए राष्ट्रीय लोकदल युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा अमरोहा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन आठों सीटों पर, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन है और समाजवादी पार्टी चुनाव अब नज़दीक है और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, तो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में नौगामा सीट आ सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बात कर रहा है, चौधरी अजीत सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की वार्ता चल रही है और बहुत जल्द इस पर फैसला होके हाईकमान जो आदेश देगा उस पर हम सब लोग काम करने का प्रयास करें। और खबर